ये जो आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उनके सारे जो कर्मी थे या लीडर्स थे उनके साथ गए थे, तो वो संदेश खाली गए, हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से गए। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में ही बोला गया था कि कोई इस तरह का कोई प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट्स मत करे, कि वहां पर अनरेस्ट हो, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट्स ना करे। लेकिन हम लोग देखे हैं कि ये ऑपोजिशन के लीडर, एक ऑफिसर वहां पर, आईपीएस ऑफिसर वहां पर थे, ऑन ड्यूटी थे और इन यूनिफॉर्म थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे, सरकार के काम जो उनको दिया गया है वो काम कर रहे थे। तो उनको खालिस्तानी बोला, तो खालिस्तानी क्यों? ऑफिसर तुरंत प्रोटेस्ट किया, बोले कि हम पगड़ी लगा के हैं इसलिए हम पाकिस्तानी खालिस्तानी है, ये किस तरह का एलिगेशन आप कर रहे हैं? तो वो खुद भी बहुत उसको गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया और हम सबको गुस्सा आया कि इस तरह का जो डिविजन कर रहे हैं, इस तरह का डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके विरोध में सिख जो यहाँ पर है, वो सिख जो संप्रदाय के लोग हैं, वो भी जाके प्रोटेस्ट किए। तो वो बोल रहा है कि तृणमूल है, तृणमूल करने से क्या सिख जो है उनका पगड़ी का जो कीमत है वो कम हो जाता है क्या? तो पगड़ी का एक कीमत होता है, इसको मालूम होना चाहिए। ये पहला बार नहीं, बहुत सारे बार ये सब किया है। केंद्रीय सरकार में जो भी है, प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके कपड़े से इसको समझो कि ये कौन संप्रदाय के लोग हैं। तो ये ट्यूटर अगर किए हैं तो वो ट्यूटर्ड होके ये सभी बोलेगा, इससे और ज्यादा हम लोग क्या आशा करेंगे? लेकिन एक्शन लिया जाएगा।